सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अक्षर ख, लेटर ख। ख से खरगोश। खरगोश मीन्स रैबिट। ख से खत। खत मीन्स लेटर। ख से खटमल। खटमल मीन्स बेड बग्स। ख से खरबूजा। खरबूजा मीन्स मेलन। अब हम जानेंगे खरगोश के बारे में। नाउ वील नो अबाउट रैबिट। खरगोश एक पालतू जानवर होता है। रैबिट इज ए पेट एनिमल। खरगोश सफेद, काले, भूरे रंग के होते हैं। रैबिट्स आर व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन इन कलर। खरगोश को भोजन में गाजर खाना सबसे अधिक प्रिय है। रैबिट लव्स टू ईट कैरेट्स इन फूड। अब हम जानेंगे खत के बारे में। नाउ वील नो अबाउट लेटर। खत के द्वारा हम एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। वी सेंड मैसेजेस टू ईच अदर बाय लेटर। खत कागज का बना होता है। लेटर इज मेड अप ऑफ पेपर। अब हम जानेंगे खटमल के बारे में। नाउ वील नो अबाउट बेड बग्स। खटमल एक छोटा कीड़ा होता है। बेड बग इज ए वेरी स्मॉल इंसेक्ट। यह इंसान का खून चूसता है। इट सक्स ह्यूमन ब्लड। अब हम जानेंगे खरबूजे के बारे में। नाउ वील नो अबाउट मेलन। खरबूजा एक फल होता है। मेलन इज ए फ्रूट। यह फल गर्मियों के मौसम में खाया जाता है। दिस फ्रूट इज ईटन ड्यूरिंग समर सीजन। बच्चों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी रिलेटेड टू लेटर ख। एक खुशवंत नाम का लड़का था। देयर वॉज ए बॉय नेम्ड खुशवंत। वह बहुत होशियार था। ही वॉज वेरी स्मार्ट। उसके 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक आए। ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन क्लास 12th। वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर गया। ही वेंट टू सिटी फॉर हिज फर्दर स्टडीज। वहां उसे हॉस्टल में रहना पड़ा। ही हैड टू स्टे इन हॉस्टल देयर। वह बहुत खुश था क्योंकि वहां उसका जो भी मन करता था वो करता था। ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही यूज टू डू वॉट एवर ही वॉन्टेड देयर। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया। वन डे ही वेंट ऑन ए पिकनिक विथ हिज फ्रेंड्स। वहां उसने खरगोश देखा और वो लोग बहुत खुश हुए। देयर ही सॉ द रैबिट एंड दे बिकेम वेरी हैप्पी। फिर वो लोग खाना खा पी कर वापस हॉस्टल आ गए। देन दे केम बैक टू द हॉस्टल आफ्टर ईटिंग फूड। मगर उसकी एक कमजोरी थी। वह बहुत आलसी था। बट ही हैड ए वीकनेस। ही वॉज वेरी लेजी। अब उसे कोई डर नहीं था। वो सब कुछ अपने पलंग पर ही खाता पीता था, जैसे खरबूजे, आम, संतरे आदि। नाउ ही हैड नो फियर। ही यूज टू ईट एवरीथिंग ऑन हिज बेड, लाइक मेलन्स, मैंगोज, ऑरेंजेस एटसेट्रा। एक दिन उसके शरीर में बहुत खुजली हो गई। वन डे हिज बॉडी बिकेम वेरी इची। उसने अपनी माँ को खत लिखा और बताया। उसकी माँ ने जब खत पढ़ा तो समझ गई कि उसके बेटे ने सब कुछ पलंग पर खाया पिया होगा। ही रोट ए लेटर टू हिज मदर एंड टोल्ड हर दैट व्हेन हिज मदर गॉट द लेटर शी अंडरस्टूड दैट हर सन मस्ट हैव ईटन एवरीथिंग ऑन द बेड।
उसकी माँ ने उसको खत लिखा कि अपने बिस्तर की चादर धो कर बिछाओ और खाना टेबल चेयर पर खाओ। His mother wrote to him that wash your bed sheets and eat food on the table chair. जब उसने बिस्तर की चादर हटाई तब देखा उसके बिस्तर पर बहुत सारे खटमल हैं। उसने फिर अच्छे से सफाई करके बिछाई। When he removed the bed sheet, he saw a lot of bed bugs on his bed. He cleaned all well. तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और जहां हम रहते हैं वहां पर हमें सफाई रखनी चाहिए। So the children, moral of the story is we should not be lazy and we should always keep clean where we live. अब हम जानेंगे अक्षर ख को कैसे लिखते हैं। Now we'll know how to write letter kh. A एक, दो, तीन, चार, पांच, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इसमें आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है, नीली लाइन पर ही लिखना है। In this, we do not have to write on red line. We have to write only on blue line. Okay, children. Bye bye. Have a nice day. Ta-ta.